सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? और आज है मेरे पास फायरबोल्ट क्वांटम और आप इसका लुक देख सकते हो। भाई लुक्स में बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको फुल बॉडी मेटल देखने को मिल रहा है। आगे पीछे सराउंडिंग सब कुछ मेटल है, बस स्क्रीन कांच का है, बाकी सब मेटल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। मैंने खरीदा 3000 में, अभी अवेलेबल है 4000 का। तो भाई सोच समझ के खरीदना कि क्या आपको ये लेना चाहिए। खराबी और अच्छाई दोनों के बारे में बात करेंगे। और अगर फीचर्स देखोगे तो इसमें आपको SpO2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर अवेलेबल मिल रहा है। और कॉलिंग फीचर्स तो है ही, और सिर्फ 10 स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है, तो ये काफी ज्यादा कम लगा मुझे। और IP67 का वाटर रेटिंग भी है इसमें। और दोस्तों पूरा स्टेनलेस स्टील का बॉडी है जिस वजह से जंग नहीं लगेगा। एक बार आपने खरीदा तो मतलब सदियों तक ऐसी रहेगा, कुछ होगा नहीं वॉच को। और दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप वायरलेस TWS कनेक्ट कर सकते हो इसमें। इसमें आपको 239 MB का स्टोरेज देखने को मिल रहा है। वैसे इन्होंने कहा है 128 MB, लेकिन मुझे 239 MB का स्टोरेज देखने को मिला, जिस वजह से आप अप्रॉक्स 40-50 सॉन्ग डाल सकते हो वॉच में। 3 दिन से तुम्हारा भाई यूज कर रहा है, पूरा पोस्टमार्टम कर चुका है, इसलिए इतना टाइम लगा इसका रिव्यू बनाने में। तो चलिए अभी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रोडक्ट पसंद आए तो Amazon लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा दिखता है अपने वॉच का बॉक्स। ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको फायरबोल्ट क्वांटम का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है। वॉच के दूसरी तरफ इन्होंने अपने की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। नीचे की तरफ मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का बारकोड है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और तीसरी तरफ की फीचर्स है, पीछे की तरफ भी ऊपर की फीचर्स है, और थोड़े ही नीचे ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, और साथ ही में अपने MRP प्राइस को भी प्रिंट कर रखा है। और 8 का हॉलमार्क भी है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट है। तो चलिए अभी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये है अपना वॉच, वॉच को साइड रखते हैं, देखते हैं अंदर और क्या है। और ये एक टूल इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, इसके बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। और ये है इसका चार्जिंग केबल प्लस USB केबल। लेंथ आप देख सकते हो, छोटा सा है लेकिन क्वालिटी में बेस्ट है भाई। तो ये है पेपर वर्क, कॉन्ग्रेचुलेशन क्योंकि आपने वॉच खरीद लिया इनका। वाह, पीछे 2 बारकोड भी है मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का। यह है 3 मंथ्स ऑफ गाना सब्सक्रिप्शन। यह है बुक माई शो वाउचर, ट्राई किया लेकिन कुछ मिला नहीं मेरे को। फायरबोल्ट इंडियंस नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड। ये वारंटी कार्ड है, पीछे बारकोड है, इसे स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है। और भाइयों ये है इसका यूजर मैनुअल, जिसके अंदर पूरा फंक्शन इन्होंने प्रिंट कर रखा है। पूरा फंक्शन है भाई, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फो नहीं दिया है। और अभी एक क्लोज लुक वॉच की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हो भाई, वॉच का लुक बहुत ही बढ़िया है। और इसमें आपको एकदम सपाट प्लेन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, डिस्प्ले कर्व नहीं है। और आप देख सकते हो कि डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा अंदर डाल रखा है इन्होंने, डिस्प्ले काफी ज्यादा अंदर है, जिस वजह से इसका फ्रेम प्रोटेक्ट करता है इसके डिस्प्ले को। और इसका जो फ्रेम है, बाउंड्री है, ये काफी ज्यादा ऊंचा है कंपेयर टू डिस्प्ले, जिस वजह से भाई आप कैसे भी ठोको इसका डिस्प्ले हमेशा सेफ रहेगा, इसका बाउंड्री प्रोटेक्ट करेगा इसके डिस्प्ले को। और आप इसके बाउंड्री के ऊपर मिनट का नंबर देख रहे हो, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। और इसका जो ऊपर का बाउंड्री है ना भाई, ये घूमता है और ऐसा आवाज भी आता है भाई, काफी बढ़िया लग रहा है ना सुनने में। एक ही साइड घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं घूमता। और भाई जो लुक बनाया ना, जो गियर का डिजाइन इन्होंने बना रखा है ना भाई ऊपर, बहुत ज्यादा सुपर्ब लग रहा है देखने में। और वॉच का थिकनेस है 13 mm, भाई इतना तो बनता ही है क्योंकि फ्रेम को बहुत ज्यादा ऊपर रखा है, और स्टेनलेस स्टील का मेटल का इन्होंने इस्तेमाल कर रखा है, जिस वजह से भाई जंग नहीं लगेगा, सदियों तक ऐसा ही रहेगा जैसा आप अभी देख रहे हो। तो ये बेस्ट लगा मुझे। और साइड में आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और भाई आप देख सकते हो ऑल ओवर वॉच बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और दूसरे साइड आप 5 होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका। और वॉच के बैक साइड फायरबोल्ट के ब्रांडिंग को इन्होंने प्रिंट कर रखा है, और यहीं पर इसका चार्जिंग पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पिन है, तो भाई USB कनेक्ट होता है इस वॉच के साथ। इसके बैक को खोलने के लिए इन्होंने 4 स्क्रू भी प्रोवाइड कर रखा है। वैसे मैं ये सब खोल खाल के एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। और भाई इसके चेन का क्वालिटी भी बेस्ट है, स्टेनलेस स्टील का चेन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। लुक्स में आप देख सकते हो भाई, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेन का क्वालिटी बेस्ट लगा मुझे। और यहाँ पर आपको टोटल 8 एडजस्टमेंट ब्रिक देखने को मिल रहा है। आप टोटल 8 ब्रिक को रिमूव कर सकते हो, निकाल सकते हो, अगर आपके हाथ का रिस्ट का साइज पतला है तो। मैंने 3 ब्रिक्स निकाल रखा है, अभी मेरे हाथ पे एकदम परफेक्टली फिट बैठता है। और भाई आपको हाथों पे एकदम परफेक्टली थोड़ा टाइट तरीके से ही इसे पहनना है, ताकि पीछे का जो सेंसर है वो सही से काम कर सके। और इसके चेन को एडजस्ट करने के लिए, ब्रिक को निकालने के लिए भी इन्होंने टूल प्रोवाइड कर रखा है, तो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, सब आप खुद ही कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप इसके पिन को ध्यान से देखोगे, तो एक साइड तो आपको एकदम प्लेन नॉर्मल मिलेगा, और दूसरी तरफ आप देख सकते हो कि थोड़ा अंदर के साइड है इसका पिन, तो आपको उसी साइड से टूल के हेल्प से पिन को धक्का मारना है। लेकिन भाई, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप इसे धक्का मारो तो दूसरे साइड उंगली
ना रहे, आपको सिर्फ चेन पकड़ना है, पीछे का साइड उंगली ना रहे, इस साइड से धक्का मारोगे उस साइड से पिन निकलेगा और आपकी उंगली में मतलब चोट लग सकता है, गड्ढा हो सकता है, तो भाई इस बात का ध्यान रखना आप, बाकी सब कुछ इजी है। और भाई इन फ्यूचर अगर आपको दूसरा चेन लगाना हो या फिर पट्टा लगाना हो या फिर सिलिकॉन स्ट्रैप लगाना हो तो वो भी आप लगा सकते हो, 22mm का स्ट्रैप इसमें फिट बैठेगा। और वॉच को ऑन करते यहाँ पर आपको 1.28 इंच का 240x240 पिक्सल का रेजोल्यूशन देखने को मिल रहा है, जिस वजह से भाई डिस्प्ले का क्वालिटी काफी बढ़िया है। और दोस्तों आप साइड का ब्लैक ब्लेजल देख रहे हो, ये इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्लिम रखा है, इस बार ब्लेजल तो है जो कि इन्होंने बाउंड्री के अंदर हाइट कर रखा है, लेकिन अंदर का जो ब्लैक ब्लेजल होता है ना वो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिल रहा है, तो ये काफी बढ़िया लगा, ब्लैक ब्लेजल अच्छा लगता भाई देखने में। लेकिन भाई मैंने खरीदा 3000 में, अभी अवेलेबल है 4000 का, लेकिन इसका डिस्प्ले का क्वालिटी 2000 के अंडर जो भी वॉचेस आते हैं उनकी तरह है, डिस्प्ले को थोड़ा बेटर देना चाहिए था भाई, इतना महंगा बेच रहे हैं। जिसका कलर सैचुरेशन आप देख सकते हो ठीक ठीक ही है, और इमेज का शार्पनेस आपके सामने है, ये भी एवरेज ही है, एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते। और अभी क्लोज लुक वॉच के यूआई की तरफ, स्क्रीन के ऊपर अगर आप लॉन्ग टच करते हो तो यहाँ से आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो, टोटल दो ही वॉच फेसेस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बाकी नहीं हटेंगे, वॉच वालों ने ही प्रोवाइड किया है, एक है कस्टम वॉच फेसेस, दूसरा है क्लाउड वॉच फेसेस। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर नीचे आपको एक चेन का सिंबल देखने को मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है, नहीं मोबाइल ऐप के साथ। इसके साइड में बैटरी, टाइम, डेट, वीक का इन्फो अवेलेबल है। और यहाँ पे जो पहला आइकन है ये है फाइंड माय फोन, फिर है डू नॉट डिस्टर्ब, इसके नीचे है कनेक्टिविटी, वैसे ये हमेशा ऑफ ही रहता है लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी में मुझे किसी भी तरह का इश्यू देखने को नहीं मिल रहा है। फिर आता है अबाउट सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, ऑटो लॉक, तो दोस्तों ये है स्क्रीन ऑन टाइम, जिसमें मिनिमम 3 सेकंड्स और मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। और इसके स्विच के अंदर आपको काफी सारे अलर्ट्स अवेलेबल मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको एचआर मॉनिटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर और एचआर अलर्ट्स का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, तो भाई आपको गलती से भी इन्हें ऑन नहीं रखना है क्योंकि बैटरी बहुत ज्यादा खींचता है। इसके अलावा नीचे के अलर्ट्स को आप चाहो तो ऑन ऑफ कर सकते हो, भाई मर्जी आपकी। फिर आता है एचआर बैंड, इसके अंदर मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का बारकोड है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर आता है डायल, ये है वॉच फेसेस जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया वही है। इसके नीचे है नोटिफिकेशन, तो आप चाहो तो यहां से नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो, तो ये काफी बढ़िया लगा, बार बार मोबाइल ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके बाद आता है अबाउट इरेज डाटा, पावर ऑफ और होम मेनू के बाद अगर आप राइट साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का एक्टिविटी देखने को मिल रहा है कि आप कितना स्टेप चले हो, कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना कैलोरी आपने बर्न किया है। फिर आता है स्लीप, एचआर मॉनिटर, ब्लड प्रेशर, SpO2। तो बस दोस्तों इस साइड इतना ही था, और अगर आप लेफ्ट साइड स्लाइड करते हो तो यहाँ पर भी आपको सेम चीजें फिर से रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप नीचे के साइड स्लाइड करते हो तो ये है इसका म्यूजिक कंट्रोल, थोड़ी देर में करेंगे डिटेल में। और इसके बटन के ऊपर प्रेस करने पर भी आपको थोड़ा और मेन्यू पॉपअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन है वर्कआउट, तो बस दोस्तों इतना ही वर्कआउट आपको इसके अंदर देखने को मिल रहा है, ओनली 10 वर्कआउट है। और राइट साइड स्लाइड करके आप अपने स्पोर्ट्स मोड को पॉज कर सकते हो, और लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर आपको यहाँ पे म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल रहा है, तो भाई वर्कआउट करते करते ही आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो वॉच से। फिर आता है पेडोमीटर, स्लीप, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन, फिर है कॉलिंग फीचर्स जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, फिर आता है नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। फिर है अलार्म, स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक, फाइंड फोन, कैमरा, सेटिंग्स, सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और भाई इस वॉच की खास बात यह है कि इसमें आपको 239MB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आप वायरलेस एयरबड का यूज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो वॉच के साथ। आप देख सकते हो मेरे पास ट्रुक का पड़ा है, ट्रुक कनेक्ट करके देखते हैं, तो ट्रुक है मेरे वॉच के साथ कनेक्ट, अभी मैं आपको सॉन्ग चला के दिखाता हूँ। वॉल्यूम में मैं ये सॉन्ग चला रहा हूँ, 50% से भी कम है ताकि आपको मेरा आवाज सुनाई दे। आप देख सकते हो दोस्तों कनेक्टेड नहीं है, ये चेन के सिंबल आप देख सकते हो ब्लैंक है, फोन कनेक्टेड नहीं है, यही है कनेक्टेड। और अगर आप वायरलेस ईयरबड को डिस्कनेक्ट कर देते हो तो फोन तो आवाज वॉच से आता है। कॉलिंग एक्सपीरियंस देखे तो वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो और कॉल पिक कर सकते हो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कॉल आने पर वॉच सिर्फ वाइब्रेट ही करता है, इसमें किसी भी तरह का रिंगटोन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल कट कर सकते हो और आप कॉल को म्यूट कर सकते हो, बस इतना ही एडजस्टमेंट। और सोशल मीडिया का कॉल का नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन आप कॉल
पिक नहीं कर सकते, बस नोटिफिकेशन है। और नॉर्मल नोटिफिकेशन रिसीव होने पर वॉच सिर्फ वाइब्रेट करता है और डिस्प्ले भी ऑन हो जाता है। नोटिफिकेशन में सिर्फ और सिर्फ ये वॉच इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और रिजल्ट आपके सामने है। वॉच का कॉलिंग फीचर देखे तो आप डायल पैड देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है और कॉन्टेक्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसे दिखते हैं। नंबर और नाम शो होता है और आप चाहो तो यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो। और यह है कॉल हिस्ट्री और यहीं पर ही आपको डायल कॉल और रिसीव कॉल का इन्फो अवेलेबल मिल रहा है। इसके अलावा टाइम का इन्फो अवेलेबल है लेकिन डेट का इन्फो नहीं है। और आप चाहो तो यहां से भी डायल कॉल कर सकते हो। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं अभी हूँ कॉलिंग पे और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और इसका माइक ना यहाँ पर है, सो अगर आप मुंह के पास रख ऐसे बात करोगे तो आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा। और अभी आप सुनो कि अगर आप हाथों के से दूर लेके जाते हो तब कैसा आवाज पकड़ता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के कुछ भी लिखते पढ़ते अगर आप वॉच का इस्तेमाल करो तब कैसा आवाज पकड़ेगा। सो दोस्तों ये था इसका माइक एक्सपीरियंस, आप सुन के बताओ कि इसका माइक एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। चलो दोस्तों अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है कॉलिंग परफॉर्मेंस और मैं नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूँ, बहुत धीरे नहीं बहुत लाउड नहीं। तो अभी आप सुनो कि आवाज जो कैसा निकालता है इसका माइक। अभी एक डायलॉग टेस्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप सुन के बताओ कि स्पीकर परफॉर्मेंस कैसा लगा। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि माइक एक्सपीरियंस एंड स्पीकर एक्सपीरियंस बेस्ट है, कॉलिंग एक्सपीरियंस बढ़िया आपको ये प्रोवाइड करेगा। और वॉच का फाइंड माय फोन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी बचेगा, हर बार बचेगा। और दोस्तों आप इसके रिंगटोन को चेंज नहीं कर सकते, हमेशा यही रिंगटोन बचेगा। यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका यूआई बहुत ही ज्यादा स्मूथ है जिसमें आपको हल्का सा भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और अप डाउन स्लाइड करते वक्त भी कभी भी गलती से टच नहीं होता है और जब भी आप टच करोगे हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी इसका टच मिस नहीं होता। और इस वॉच का वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो हाथ ऊपर करने से डिस्प्ले हमेशा ऑन हो जाता है और हाथ नीचे करने से डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है, जो कि बैटरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। साथ ही में इसका रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी सुपर है ब्रो, आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन होगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। और इसमें आपको 500 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका ब्राइटनेस का क्वालिटी भी मुझे एवरेज ही लगा, बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। 4000 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही नहीं लग रहा है। और भाई धूप सही से निकला नहीं, हल्का धूप है आज। और इसमें आपको IP67 का वाटर रेटिंग देखने को मिल रहा है जो कि आपको 1 मीटर वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। बोले तो आप स्विमिंग पूल में इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन 1 मीटर से गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। इतना महंगा वॉच है लेकिन फिर भी आपको इस वॉच के ऊपर किसी भी तरह का ऑलिफोबिक कोटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, तो भाई ये देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, जो कि मुझे इस वॉच में मिसिंग लगा। तो दोस्तों ये थी कुछ अच्छी बातें। आप थोड़ा नेगेटिव जाते हैं तो इस वॉच में आपको कनेक्टिविटी इशू बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो फिलहाल वॉच मेरे फोन के साथ कनेक्ट है और अभी आप धीरे धीरे देखना कि 1 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट होगा, आपके सामने डिस्कनेक्ट होगा वॉच मेरे फोन के साथ, जिस वजह से वॉच का फाइंड माई फोन सही से काम नहीं कर रहा है। आप देख सकते हो वॉच में दिखा रहा है कनेक्टेड है लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा भाई। लेकिन दोस्तों अगर वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट ना भी रहा तब भी कई कई बार आप कॉल पिक कर सकते हो, कॉलिंग फीचर्स इसका काम करता है। कई बार काम करता है, कई बार काम नहीं करता, 10 में से 7 बार काम करता है, आप कॉल पिक कर सकते हो, लेकिन 3 बार कनेक्टिविटी इशू आपको फेस करना पड़ सकता है। और मिसिंग फीचर्स देखे तो भाई 4000 इसका प्राइस है और इस प्राइस रेंज में आपको यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिल रहा है और ना ही गेम्स का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, तो भाई अकॉर्डिंग टू मी ये प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगा है फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो। लेकिन अगर आपको लुक पसंद हो तो आप खरीद सकते हो, लेकिन भाई फीचर्स बहुत ही कम है इस वॉच में। 2000 के स्मार्ट वॉचेस में जो फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स इसमें भर रखे हैं, बस बॉडी के लिए 2000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और स्पोर्ट्स मोड भी बहुत ही ज्यादा कम है, सिर्फ 10 स्पोर्ट्स मोड आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट देख लेते हैं। 548 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 548 steps once more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 548 स्टेप्स। सो दोस्तों स्टेप टेस्ट का एक्यूरेसी कुछ खास नहीं है, अभी स्पोर्ट्स मोड का भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सब कुछ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
अभी स्लाइड करना पड़ेगा। अब देख सकते हो 39 स्टेप्स, स्पोर्ट्स मोड एकदम परफेक्टली काम कर रहा है इसका। सो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि स्टेप काउंट का एक्यूरेसी काफी बढ़िया है, जिस वजह से डिस्टेंस ट्रैक भी वॉच का एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। जब भी आप भागोगे दौड़ोगे सिर्फ तभी ट्रैक करेगा, बाइक राइडिंग के टाइम ट्रैक नहीं करता है। और कैलोरी बर्न भी वॉच का काफी बढ़िया है, आप इस पे 80% ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन वॉच का स्लीप एक्यूरेसी सही से काम नहीं कर रहा है, इसका भी सेम सारे वॉच की तरह ही है। 5 घंटे के ऊपर के स्लीप को कैलकुलेट करता है, इसके नीचे के स्लीप को कैलकुलेट नहीं कर पाता है। और एचआर मॉनिटर पे मैं 3 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी भी काफी बढ़िया है, लेकिन दोस्तों फाइनल रिजल्ट नहीं देता है, कैलकुलेट ही करता रहता है और डिस्प्ले ऑफ हो जाता है। रिजल्ट आपके सामने है, मैं 3 टेस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हो भाई एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। और SPU2 पे भी मैं 3 टेस्ट कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है। SPU2 का भी सेम हाल है, टेस्ट करते करते डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, फाइनल रिजल्ट नहीं देता। और इन्होंने ब्लड प्रेशर मॉनिटर दिया तो है, लेकिन आप इस पे 1% भी भरोसा मत करना है, क्योंकि भाई हमेशा नॉर्मल ही दिखाता है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो ये उसे भी नॉर्मल ही दिखाएगा, तो भाई भरोसे के लायक नहीं है। इसका ब्लड प्रेशर काम नहीं करता नॉर्मल ऑलवेज। बैटरी बैकअप देखे तो भाई बैटरी बैकअप कमाल का दिया मुझे ये। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं 3 दिन से इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था और कनेक्टिविटी में थोड़ा सा इशू है, जिस वजह से भाई 3 दिन हो गए हैं और सिर्फ 67% बैटरी ही मेरा खर्च हुआ है, अभी भी 100% बैटरी खर्च नहीं हुआ इसका। और कॉलिंग के लिए भी मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कॉल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर बार रिसीव नहीं होता, कभी कभी रिसीव होता है कभी कभी रिसीव नहीं होता। तो अप्रॉक्स दिन में मैं 20-30 मिनट कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था और इसका चार्जिंग टाइम अप्रॉक्स 2 आवर्स होगा, लेकिन मैंने अभी तक इसे चार्ज नहीं किया है। मोबाइल ऐप देखे तो इसके होम में आपको पूरे दिन भर का हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, और सेकंड ऑप्शन में है वर्कआउट, और थर्ड ऑप्शन में आपको मेन कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है। यहीं पर ही ऊपर आप गोल वोल सेट कर सकते हो कि आपको एक दिन में कितना स्टेप चलना है ये सब, और FB088 के अंदर ही आपको सारे कस्टमाइजेशन अवेलेबल मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है। और यहीं पर ही फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हो सारे सोशल मीडिया अकाउंट का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड कर रहा है, और अदर्स के अंदर आप देख सकते हो सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे मोबाइल ऐप के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो रहा है इस वॉच में। तो ये बेस्ट लगा, ये एक नया अपडेट इन्होंने प्रोवाइड किया है। और यहीं पर आपको सारे अलर्ट्स और रिमाइंडर अवेलेबल मिल रहा है, और इसके कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप टोटल 8 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, इससे ऊपर का जगह नहीं है। और इसके रिस्ट सेंसर के अंदर आपको थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। स्विच सेटिंग्स के अंदर आपको एचआर मॉनिटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर देखने को मिल रहा है, तो भाई आपको इसे गलती से भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ही ज्यादा खींचता है, आपको इन्हें हमेशा ऑफ रखना है। डायल सेटिंग्स के अंदर ही आपको फोटो वॉच फेसेस अवेलेबल मिल रहा है, तो आप चाहो तो इस वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी वॉलपेपर सेट कर सकते हो, जो भी आपका मन करे। साथ ही में थोड़ा एडजस्टमेंट भी है, टाइम की पोजिशन को अप डाउन कर सकते हो, डेट स्लीप हार्ट रेट स्टेप को आप ऐड कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो, इस टाइप के काफी सारे कस्टमाइजेशन आपको अवेलेबल मिल रहा है। और आप चाहो तो टाइम के फॉर्मेट का कलर चेंज कर सकते हो। मोर वॉच फेसेस में आप देख सकते हो काफी बढ़िया क्वालिटी का वॉच फेसेस आपको इस वॉच के लिए अवेलेबल मिल रहा है, क्वालिटीज काफी बढ़िया आप देख सकते हो भाई, बहुत सारे हैं। सो भाई वॉच फेसेस का क्वालिटीज बेस्ट लगा मुझे। तो बस दोस्तों इतना ही था, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।